ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ पीसीडी नंबर 3787, क्लैरिफाइड ऑन 7/11/2021। आज का प्रातः क्लास है 15 दिसंबर 1968, रविवार। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 15 दिसंबर 1968, संडे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति क्यों कहा जाता है अक्सर करके? व्हाई डू वी यूजुअली से ओम शांति? इसलिए कहा जाता है कि ये है परिचय देना। वी से इट बिकॉज इट इज गिविंग द इंट्रोडक्शन टू समवन। किसका परिचय देना? इट इज गिविंग हूज इंट्रोडक्शन? आत्मा का परिचय कौन देते हैं? हु गिव्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द सोल? आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। द सोल इटसेल्फ गिव्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द सोल। क्योंकि बातचीत तो चैतन्य आत्मा ही करती है ना। इट इज बिकॉज इट इज द लिविंग सोल हु कम्युनिकेट्स, डजंट इट? शरीर तो जड़ है, आत्मा बिगर शरीर तो कुछ नहीं कर सकता है। द बॉडी इज सर्टनली नॉट, इट कांट डू एनीथिंग विदाउट अ सोल। तो आत्मा ही अपना परिचय देती है। सो द सोल अलोन गिव्स इट्स इंट्रोडक्शन। तो देखो, सो लुक, तुम बच्चे अर्थ करेंगे, आत्मा सन ऑफ परमात्मा। यू चिल्ड्रन विल क्लैरिफाई इट्स मीनिंग, द सोल इज द सन ऑफ द सुप्रीम सोल। ऐसे कहेंगे ना? इट विल बी सेड, वोंट इट? ओ आत्मा, वो आत्मा सो परमात्मा। ओ सोल, द सोल इज इक्वल टू द सुप्रीम सोल। सो सन ऑफ परमात्मा। एंड इट इज द सन ऑफ द सुप्रीम सोल। ये सो परमात्मा। इट इज इक्वल टू द सुप्रीम सोल। ऐसे कह देते हैं। दे से दैट। बच्चों को ये सभी बात नई नई समझाई जाती है ना। ऑल दीज न्यू कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन, aren't they? तो बाप है। ही इज द फादर। वो तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे। ही विल डेफिनेटली से चिल्ड्रन चिल्ड्रन। क्योंकि बच्चे जानते हैं कि हमारा रूहानी बाप है। इट इज बिकॉज द चिल्ड्रन नो ही इज अवर स्पिरिचुअल फादर। रूहानी बाप भी कहते हैं, हे रूहानी बच्चों। एंड द स्पिरिचुअल फादर ऑल्सो सेज, ओ स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। तुम इन ऑर्गन्स द्वारा सब कुछ समझते हो। डू यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग थ्रू दीज ऑर्गन्स? बाप समझाते हैं। द फादर एक्सप्लेन्स। पहले है ज्ञान, नॉलेज इज फर्स्ट, पीछे है भक्ति, एंड भक्ति इज लेटर। ये तुम जानते हो कि ये ऐसे नहीं कहेंगे शुरुआत में। पहले भक्ति, पीछे ज्ञान। यू नो दैट इट दैट इज भक्ति वोंट बी सेट टू बी फर्स्ट, फर्स्ट भक्ति देन नॉलेज। नहीं, नो, पहले ज्ञान दिन है, पीछे रात। फर्स्ट देर इज द डे ऑफ नॉलेज एंड देन देर इज द नाइट। ये शुभ बोला जाता है ना। Saying this is said to be auspicious, isn't it? पहले दिन भाई पीछे रात। First there is day and then there is night. तो पहले ज्ञान फिर पीछे भक्ति का अज्ञान। So first there is knowledge and then there is the ignorance of bhakti. नहीं तो सन्यासी तो बहुत करके सभी जानते होंगे जरूर कि ज्ञान दिन फिर भक्ति रात। Otherwise, most of the sannyasis would definitely know that the day of knowledge is first and then there is a night of bhakti. So, bhakti raat ke piche, phir dhanak din kab aave? Then, when does the day come after the night of bhakti? Jab phir bhakti ka sannyas ho. When there is the renunciation of bhakti. Vairag ho. When there is detachment. To dekho, तुम्हारी बुद्धि में ये बात बड़ी अच्छी तरह रहना चाहिए कि ज्ञान
सो लुक, देयर शुड बी दिस पॉइंट इन योर इंटेलेक्ट वेरी नाइसली, दैट नॉलेज पीछे विज्ञान तो है ही बरोबर, एंड देन देयर इज सर्टेनली विज्ञान दैट इज स्पेशल नॉलेज. तो ऐसे भी कह सकते हो ज्ञान विज्ञान. यू कैन ऑल्सो से ज्ञान विज्ञान. पीछे है ज्ञान विज्ञान, लेटर देयर इज ज्ञान विज्ञान. फिर भी ज्ञान तो करना पड़े. Nevertheless, you should have this knowledge. क्योंकि अभी तुम पढ़ाई पढ़ा रहे हो ज्ञान की. It is because now you are studying the knowledge. फिर विज्ञान में जाते हो. Then you go into विज्ञान. कोई विज्ञान से ज्ञान में आएगा. Some will come from विज्ञान to ज्ञान. अभी ज्ञान में तो आते ही नहीं हो. Now you certainly don't have knowledge. तो फिर आते हो ज्ञान की प्रारब्ध में. लेटर यू हैव द फ्रूट्स ऑफ नॉलेज. और वो सतयुग त्रेता में जहाँ ज्ञान की प्रारब्ध होती है वहाँ कोई ज्ञान तुमको मिलता नहीं है. एंड इन द गोल्डन एंड द सिल्वर एज वेयर देयर आर द फ्रूट्स ऑफ नॉलेज यू डोंट रिसीव नॉलेज देयर. क्या कहें इनको समझाए करके. व्हाट डू आई एक्सप्लेन टू देम. भाई ज्ञान बाबा भी देते हैं. नाउ बाबा गिव्स नॉलेज. और इस ज्ञान की प्रारब्ध होगी सतयुग और त्रेतन. एंड यू विल रिसीव द फ्रूट्स ऑफ दिस नॉलेज इन द गोल्डन एंड द सिल्वर एज. तो ये समझने का रहता है ना. सो दिस पॉइंट इज टू बी अंडरस्टूड इजंट इट. सिर्फ कहने से तो मतलब नहीं छूटता है. The meaning isn't understood just by saying it. अभी बाप ज्ञान दे रहे. Now the father is giving knowledge. जानते हो. You know. कि हम विज्ञान में जाएंगे. We will go into विज्ञान. घर जाएंगे. We will go home. तो जब घर जाएंगे तो उसको न ज्ञान कहेंगे न भक्ति कहेंगे. So when you go home, it will neither be called knowledge nor bhakti. फिर उसको ऐसे कहा जाता है विज्ञान, यानी ज्ञान से परे हो गए. Then it is said विज्ञान, it means you went beyond knowledge. पीछे परे माना देखो चले जाते हैं ना शांति धाम में. Then beyond means look, you go to the abode of peace, don't you? तो ज्ञान वो तो बुद्धि में रखना है ना. ज्ञान विज्ञान. सो यू शुड सर्टेनली हैव नॉलेज ज्ञान विज्ञान इन योर इंटेलेक्ट शुडंट यू. और ज्ञान हमको इस समय में बाप देते. एंड द फादर गिव्स अस नॉलेज एट दिस टाइम. और ये ज्ञान देते कहाँ के लिए हैं. एंड फॉर विच प्लेस डज ही गिव इट. भाई वर्तमान के लिए नहीं देते हैं, भविष्य नई दुनिया के लिए देते. He doesn't give it for the present time. He gives it for the future new world. तो भविष्य नई दुनिया में जाएंगे तो जरूर घर जाएंगे, घर भी जरूर जाएंगे. So when you go to the future new world, you will definitely go home as well. तो बच्चों को ये याद रहना है ना. So the children should remember this, shouldn't they? और घर तो जो मुक्ति धाम में है वहां तो जाना ही है ना. एंड यू डेफिनेटली हैव टू गो देयर द बोर्ड ऑफ लिबरेशन विच इज योर होम डोंट यू. ब्रह्मांड में तो जाना जरूर है. यू डेफिनेटली हैव टू गो टू ब्रह्मांड दैट इज द सुप्रीम अबोर्ड. असुर आत्मा जहाँ की रहवासी है. द सोल इज द रेसिडेंट ऑफ दैट प्लेस इन रियलिटी. तो वहां तो जरूर जाएंगे ना. So you will definitely go there, won't you? तो ये देखो तुम बच्चे नई बातें एकदम सुनते हो. Look, you children certainly listen to the new concepts. समझ करके पढ़ते हो. You read them after understanding. और तो कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं समझ सकते. No other human beings can understand these concepts. और ये भी समझते हो कि बरोबर हम आत्माएं हैं. And you also understand, truly, we are souls. और हम spiritual children हैं, रूहानी बच्चे.
एंड वी आर द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। पुराने बच्चों का स्पिरिचुअल फादर भी चाहिए। देर शुड बी द स्पिरिचुअल फादर टू फॉर द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। रूहानी बाप भी चाहिए ना। देर शुड बी द स्पिरिचुअल फादर एज वेल, शुडंट देर। ये तो जानते हो कि रूहानी बच्चे रूहानी बाप। सो यू सर्टेनली नो दैट देर आर द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन एंड द स्पिरिचुअल फादर। रूहानी बच्चों का एक ही बाप है। And there is only one father of the spiritual children. जिस समानी बच्चे होते हैं उनके तो अनेक बाप अनेक जन्म। The bodily children have many fathers in many births. तो एक बाप वो तो आकर करके ये नॉलेज देते। So that one father comes and gives this knowledge. और ये तो बच्चे जानते हैं कि बाप कैसे आते हैं। And the children certainly know how the father comes. वो बात भी तो बाप ने बच्चों को समझाया ना। द फादर हैज एक्सप्लेन्ड दैट एज वेल टू द चिल्ड्रन, हैजंट ही? तो भाई मुझे भी तो प्रकृति के पांच तत्वों को धारण करना पड़े ना। सो आई टू हैव टू टेक ऑन द फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर, डोंट आई? नहीं तो मुख कहां से मिलेगा ज्ञान सुनाने के लिए? Otherwise, how will I get a mouth in order to narrate knowledge? ठीक है ना बच्चे? It is true, isn't it children? तो अभी मुख से सुनना ही सुनना है। So now, you have to listen and only listen what he says through the mouth. वास्तव में बाप को कुछ सुनाना नहीं है। Actually, you don't have to narrate anything to the father. और सुनना ही सुनना है बाप से, बेहरे के बाप, रूहानी बाप से। You have to only listen from the father, the unlimited father, the spiritual father. इसलिए कहा जाता है बस। This is why it is said, that's it. बाप से ही सुनना है। You have to listen only from the father. दूसरा कोई से नहीं सुनना है। You don't have to listen from anyone else. क्योंकि ज्ञान तो एक से ही आता है। It is because knowledge comes only from the one. तो एक बाप से ही सुनना है। So, you have to listen only from the one father. तो सुन सुन करके पीछे भाइयों को सुनाते हो। Later, you narrate to the brothers after listening to it. और सुनना भाइयों को भी है ना? And the brothers also have to listen to it, don't they? बाप से भाइयों को भी सुनना है। The brothers also have to listen from the father. तो भाइयों को भी तो तुम सुनाते हो ना। सो यू नरेट टू द ब्रदर्स एज वेल, डोंट यू? और सो भी सब सुनाते हैं, जो भी यहाँ है। एंड एवरीवन हु इज प्रेजेंट हियर नरेट्स द नॉलेज। अरे कुछ न कुछ जरूर है, यानी किसको ऐसे कह देवे कि अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अरे दे सर्टेनली हैव नॉलेज टू सम एक्सटेंट। It means they can tell someone this much. Consider yourself as a soul and remember the father. क्योंकि वो बाप पतित पावन है। It is because that father is the purifier of the sinful. पतित पावन उस बाप को कहा जाता है ना? He is called the purifier of the sinful, isn't he? बुद्धि चली जाएगी वहाँ, हे पतित पावन। The intellect will go towards him by saying, O purifier of the sinful. तो ऐसे कहने से बुद्धि चली जाती है ना वहाँ। So the intellect goes towards him by saying that, doesn't it? तो अभी बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं। So now the children are anyway children, they understand on being explained to. तो ये बातें सभी समझ जाते हैं ना। And everyone understands these concepts, don't they? ये समझ जाते हैं क्योंकि वे समझते भक्ति में। They understand because they were ignorant in bhakti. देखो वे समझाई से ये रावण के चंबे में आने से क्या क्या करते रहते। Look what they keep doing because of ignorance and by coming in the clutches of Ravan. कैसे छीछी बन जाते। How dirty they become. शराब पीते हैं तो देखो कैसे। Look how they become when they drink alcohol.
कि शराब सारी गंदगी को मचाती है। दिस एल्कोहल गिव्स राइज टू ऑल काइंड्स ऑफ डर्ट। तो बच्चों की बुद्धि में तो है अभी। सो नाउ द चिल्ड्रन सर्टेनली हैव इट इन देयर इंटेलेक्ट कि हमको बाप से वर्षा लेने का है। दैट दे हैव टू टेक द इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर। और ये भी जानते हो। एंड देन दे ऑल्सो नो कि कोई अभी संकल्प की बात नहीं, कल्प कल्प वर्षा लेने का है। दैट इट इजेंट अबाउट दिस कल्पा अलोन, दे हैव टू टेक द इनहेरिटेंस एवरी कल्पा। इसलिए हमको दैवी गुण दान करना है। दिस इज वाई वी हैव टू इम्बाइब डिवाइन वर्च्यूज। तो दैवी गुण तो देखो मीठे लगते हैं ना। सो लुक डिवाइन वर्च्यूज फील स्वीट डोंट दे। 15 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन, सेकेंड पेज ऑफ द मॉर्निंग क्लास डेटेड 15 दिसंबर 1968, सेकेंड लाइन। देखो कहते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लुक दे से कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और कृष्ण की कितनी महिमा है। एंड देर इज सो मच ग्लोरी ऑफ कृष्ण, और वैकुंठ का मालिक है। बिसाइड्स ही इज द मास्टर ऑफ वैकुंठ। तो अकेले वैकुंठ का मालिक नहीं है ना। सो ही इज इन जस्ट द मास्टर ऑफ वैकुंठ इज ही। हाँ भाई, अभी संगम युग में कृष्ण की डायनेस्टी तो नहीं कहेंगे। यस नाउ द डायनेस्टी ऑफ कृष्ण सर्टेनली वोंट बी सेट टू बी इन द कॉन्फ्लुएंस एज। विष्णु का या लक्ष्मी नारायण का राजाई की डायनेस्टी होती है। देयर इज द डायनेस्टी ऑफ किंगशिप ऑफ विष्णु और लक्ष्मी नारायण। तो अभी तुम बच्चों को तो मालूम है। सो नाउ यू चिल्ड्रन सर्टेनली नो कि बाबा ही राजाई की डायनेस्टी देते हैं। दैट बाबा हिमसेल्फ गिव्स द डायनेस्टी ऑफ किंगशिप। और ये अच्छी तरह से समझ गए। एंड यू हैव अंडरस्टूड इट नाइसली। और समझाने के लिए ये चित्रण भी हो तो भी मंदिर तो बहुत बने हुए। एंड इवन इफ देयर आरंट दीज पिक्चर्स टू एक्सप्लेन मेनी टेम्पल्स हैव बीन बिल्ट। और ढेर के ढेर अभी तक वो यादगार मंदिर बनते रहते हैं। एंड मेनी ऑफ दोस यादगार टेम्पल्स आर बिल्ट टिल नाउ। फिर मंदिरों को देख के कोई बता सकता है कि राम बाप किसे कहा जाता है, और मंदिर में कृष्ण बच्चा भी बैठा हुआ है। एंड सीइंग दोस टेम्पल्स एनीवन कैन से हु इज कॉल्ड द फादर राम एंड द चाइल्ड कृष्ण इज ऑल्सो सिटिंग इन द टेम्पल। तो ये तो तुम बच्चे बात जान गए हो ना। सो यू चिल्ड्रन हैव सर्टेनली कम टू नो ऑफ इट हैवंट यू। तो जिसमें ज्ञान होता है उसके अंदर से ज्ञान निकलता जरूर है। नॉलेज सर्टेनली कम्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ द वन हु हैज नॉलेज। किसी को समझाने के लिए ज्ञान निकलता है, कल्याण करने के लिए। It comes out of his mouth in order to explain, to bring about the benefit of someone. किसी को आप समान बनाने के लिए। To make someone equal to himself. फिर विचार करो अपने से कि हमने कितनों को आप समान बनाया। Then think, how many have I made equal to myself? अच्छा भाई, देखो ये नया बच्चा है। अच्छा लुक दिस चाइल्ड इज न्यू। यहीं से ही शायद सीखा है शुरुआत में। प्रोबेबली ही हैज लर्न्ड फ्रॉम हियर इटसेल्फ इन द बिगिनिंग। तो शुरुआत यहां से हुई है, एकदम शुरुआत। द बिगिनिंग हैज टेकन प्लेस फ्रॉम हियर द वेरी बिगिनिंग। और रहने वाला देहरादून का है। एंड ही इज अ रेसिडेंट ऑफ देहरादून। सेंटर तो वहां भी है। There is a center there as well. परंतु यहाँ सर्विस है। But he does service here. तो यहाँ एक दफा आया। Once he came here. तो जैसे इसको कहा जाता है ज्ञान का तीर, ज्ञान का बाण। So this is certainly called the arrow of knowledge. जो बाप समझाते हैं ना। The father explains, doesn't he? ये जो भी सन्यासी वगैरह लोग हैं भीष्म पितामह, ये भी ऐसे ही कहते हैं। ऑल द सन्यासीज भीष्म पितामह एटसेट्रा से ओनली दैट।
कि हमको ज्ञान का बाण कुमारियों ने लगाया। द कुमारी शॉट द एरो ऑफ नॉलेज एट अस। क्योंकि तुम कुमारी हो ना। इट इज बिकॉज यू आर कुमारीज, aren't यू? और कुमार तो सभी है। एंड ऑल ऑफ देम आर सर्टेनली कुमार्स। सभी पवित्र है ना बच्ची। Everyone is pure, aren't they, daughter? तो जो पवित्र है वो ब्रह्मा कुमार कह ही सकते हैं वो। जो पवित्र है। Those who are pure can certainly call themselves as ब्रह्मा कुमार्स। तो देखो कुमार कहते हैं ना। So look, they are called कुमार्स, aren't they? यानी कुमार है माने बाप के बच्चे हैं। They are कुमार्स, it means they are the children of the father. और ये कुमार तो देखो किसी के भी नाम होते हैं। एंड लुक एनीवन हैज द नेम कुमार। पर नहीं, तुम कुमार हो। बट नो, यू आर कुमार्स इन रियलिटी। और सभी बच्चे हो। एंड ऑल ऑफ यू आर द चिल्ड्रन। इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। दिस इज व्हाई यू से वी आर द चिल्ड्रन ऑफ ब्रह्मा। तो कुमार कोई नाम का बात नहीं। सो इट इजंट अबाउट जस्ट हैविंग द नेम कुमार। कुमार कुमारी माने हम भाई और बहन। कुमार कुमारी मीन्स वी आर द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। देखो भाई बहन का नाता तो अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा। सो लुक द रिलेशनशिप ऑफ अ ब्रदर एंड अ सिस्टर इज सर्टेनली गुड, वेरी गुड, इजंट इट? नाता पवित्र होता है। एंड दैट रिलेशनशिप इज प्योर। सो भी तुम तो एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। Moreover, you are the adopted children. और इसलिए हो कि adopted children बाप ने किया हुआ है। And you are the adopted children because the father has adopted you. समझा? किसने किया? Understood? Who has adopted you? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने किया है। शिव बाबा has adopted you through प्रजापिता ब्रह्मा। तो adopted children हुए। So, you are the adopted children. वास्तव में तो adopted अक्षर कह नहीं सकेंगे। Actually, you can't use the word adopted. शिव बाबा के बच्चे। You are the children of शिव बाबा। वो तो कहेंगे ये तो मेरे बच्चे हैं। He will say they are certainly my children. इसमें adopt करने की दरकार ही नहीं है। There is no question of adopting them at all. और मेरे सभी बच्चे मुझे बुलाते हैं। And all my children call me. ओ बाबा, ओ शिव बाबा। ओ बाबा, ओ शिव बाबा। देखो मंदिरों में जाते हो, कहते हो ओ शिव बाबा। Look, you go to temples and say, ओ शिव बाबा। अभी वो समझ नहीं रहती है कि ये सभी जो भी आत्माएं हैं। शरीर धारण करके पार्ट बजाती है। वेल यू डोंट हैव द सेंस दैट ऑल द सोल्स टेक ऑन अ बॉडी एंड प्ले द पार्ट। तो जरूर ये भी पार्ट तो बजाते होंगे ना। सो सर्टेनली ही टू वुड बी प्लेइंग अ पार्ट, वुडंट ही? अगर पार्ट न बजावे तो कुछ काम का नहीं। इफ ही डजंट प्ले अ पार्ट ही इज ऑफ नो यूज। अगर तन लेकर के शिव पार्ट न बजावे। इफ शिव डजंट प्ले अ पार्ट आफ्टर टेकिंग ऑन अ बॉडी। उधार लेकर के पार्ट न बजावे तो कोई काम का नहीं। आफ्टर टेकिंग द बॉडी ऑन लोन इफ ही डजंट प्ले अ पार्ट ही इज ऑफ नो यूज। उसको कोई वैल्यू ही नहीं। ही इज ऑफ नो वैल्यू। देखो वैल्यू तब होती है जबकि ये बैठ करके सारी दुनिया को सदगति को पहुंचाते। लुक ही होल्ड्स वैल्यू व्हेन ही ब्रिंग्स अबाउट द ट्रू लिबरेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। सारी दुनिया को सुखी करते हैं। व्हेन ही मेक्स द एंटायर वर्ल्ड हैप्पी। तो है ना। सो इट इज करेक्ट, इजंट इट? जब शरीर लेते हैं तभी तो सबकी सदगति देते हैं। When he takes on a body, only then he brings about the true liberation of everyone. तब इतनी महिमा होती है। It is only then that he is praised so much. और भक्ति मार्ग में उस महिमा को गाते हैं।
एंड दे सिंग दैट प्रेज इन द पाथ ऑफ भक्ति। बच्चे ये समझ गए हैं अच्छी तरह से कि पीछे दरकार नहीं रहती है बाप को याद करने की। सो द चिल्ड्रन हैव अंडरस्टूड नाइसली दैट देयर इज नो नीड टू रिमेम्बर द फादर लेटर। बाप को याद करने की कोई दरकार ही नहीं। देयर इज नो नीड टू रिमेम्बर हिम एट ऑल। फिर तो किसी को याद भी नहीं, मालूम भी नहीं कि कोई टीचर होता है। देन नो वन इवन रिमेम्बर्स और नोज दैट देयर इज सम टीचर। अरे यहाँ देखो, टीचर बनाई दिया है कृष्ण को। एंड लुक हियर, दे हैव मेड कृष्ण द टीचर। तो जिस कृष्ण को टीचर बनाई दिया है उसको तो बाप फादर कहते हैं। सो कृष्ण हु इज मेड इन टू द टीचर इज कॉल्ड द फादर। क्योंकि संगमयुगी कृष्ण है ना। इट इज बिकॉज ही इज द कॉन्फ्लुएंस एज कृष्ण, इजंट ही। नहीं तो पर कभी टीचर किसको कहें? अदरवाइज हु विल बी कॉल्ड द टीचर। अगर टीचर कहें, इफ ही इज कॉल्ड द टीचर, तो जरूर वो फादर कोई शरीर में आते हैं। डेफिनेटली दैट फादर कम्स इन सम बॉडी। तब उसको टीचर कहें। इट इज ओनली देन दैट ही विल बी कॉल्ड द टीचर। तो देखो, सो लुक, वो टीचर तो गुम हो जाते हैं। That teacher disappears. तो टीचर गुम हो गया तो फिर गुरु गुम, गुरु भी गुम। When the teacher has disappeared, the guru has also disappeared. वो कम हो गया। He is excluded. तो फिर इसको कहने मात्र रह जाता है कि परम पिता परमात्मा पावन बनाने वाला है। So it is just said for the sake of saying that the supreme father, supreme soul is the one who purifies us. Sadgati ka bhi akshar nahi kehte hain unke liye. The word true liberation isn't used for him either. Bale tumko samjhate hain. Although he explains to you ki sarva ka sadgati data ek, that the giver of true liberation to everyone is one. Aur bale gayan mein bhi aata hai. And it is also praised. परंतु जैसे ऐसे ही बिगड़ अर्थ है कोई गाते रहते हैं। बट द प्रेज विदाउट नोइंग इट्स मीनिंग। और तुम तो अभी गाया हो अर्थ सहित। एंड नाउ यू प्रेज हिम आफ्टर नोइंग इट्स मीनिंग। तुम तो जो कुछ भी कहते हो अर्थ सहित कहते हो। ऑल दैट यू से हैज अ मीनिंग। अब ये तुम बच्चे समझ गए हैं कि भक्ति बिल्कुल ही अलग और ज्ञान बिल्कुल अलग है। Now you children have understood that bhakti and knowledge are completely different. Din bilkul alag hai, raat bilkul hi alag hai. Day and night are completely different. Dino ko koi raat kahenge kya? Will anyone call day night? Aur raat ko koi din kahenge kya? And will anyone call night day? To din ka bhi time hota hai, raat ka bhi time alag hota hai. So day has a different time. And night has a different time. और वो दिन तो हद के कहते हैं, रात भी हद की कहते हैं। And they speak about the limited day and the limited night. ये है ज्ञान का दिन। It is the day of knowledge. अज्ञान की रात। And the night of ignorance. हद माना कहेंगे थोड़ा टाइम। Limited means little time. हद के लिए छोटा टाइम देते हैं। दे गिव अ शॉर्ट टाइम फॉर द लिमिटेड डे एंड नाइट। पर अभी तो तुमको नॉलेज मिली है कि भाई दिन बेहद का क्या है, रात बेहद की क्या है। एंड नाउ यू हैव रिसीव्ड द नॉलेज व्हाट द अनलिमिटेड डे इज एंड व्हाट द अनलिमिटेड नाइट इज। भाई बेहद और हद का भी कोई मुद्दा तो होना चाहिए ना। There should be a topic of the unlimited and the limited day and night, shouldn't there? हाँ बच्चे। Yes children. आधा कल्प दिन आधा कल्प रात। There is day for half the cycle and night for the other half the cycle. 15/12/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। Third page of the morning class dated 15/12/1968. दूसरी लाइन। सेकेंड लाइन।
तो बाप कहते हैं, सो द फादर सेज, कि मैं कब आता हूँ? When do I come? मैं आता हूँ रात को. I come at night. जब पूरी अज्ञान की रात होती है तो उसको दिन करने के लिए आता हूँ. When there is the complete night of ignorance, I come to transform it into day. समझे ना? You did understand, didn't you? तो रात को ही मैं आता हूँ फिर दिन करने के लिए. So I come only at night to transform it into day. ओम शांति. ओम शांति.